ताला से ताल्लुक करीब है आपके ख्याल में इसलिए कि वो नमाजें पढ़ता है इसलिए वो करता है डिप्रेशन या घबराहट डिप्रेशन नहीं होता है एक चीज़ है घबराहट एक होता है डिप्रेशन ये दो मुख्तफ दानों के में इस्तेमाल होती हैं घबराहट ये बेचैनी शुरू हो जाती है दिल में उस बेचैनी होती है किसी वजह से उसको डिप्रेशन नहीं कहते एक डिप्रेशन होता है बिल्कुल आइसोलेट इंसान हो जाता है और और उसमें फिर यह है कि सारा दिन रोने को दिल चाहता है हैं हर बात पे पर ये परेशानी होती है हज़र हज़र सी बात पे रोने को ये हो जाएगा वो हो जाएगा अफसरदा शुक्र है एक हो ही होती है बेचैनी घबराहट पैदा हुई होती है टिक नहीं सकता इंसान या इधर जाएगा उधर जाएगा बाहर निकलेगा कोई चैन नहीं किसी करवट होता तो दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा एक लोगों को भी घबराहट होती है और उनको इसलिए होती है कि इतने सपोर्ट जो उनके अल्लाह ताला ने काम किए हुए हैं वो किस तरह होंगे या किस तरह लोग शैतान के चंगों से आज़ाद हो सकते हैं तो वो बावजूद उसकी दुआएं भी करते हैं वो रसूल रही सल्लम जंग बदर में अल्लाह ताला ने तो तसली दिला दी थी ना कि तुम तो जन जंग जीतनी जीतनी वो फिक्र ना करो उसके बावजूद बेचैन हो कि दुआ कर रहे थे और इतनी शिद्दत से दुआ करते थे तो जिसमें मिलता था कि चादर ढक जाती थी हज़ू वो क्या कहा था ये कहा था ना कि अल्लाह तारा ने जब वादा किया तो परेशानी किस चीज़ की है घबराहट कैसी है पता नहीं अल्लाह तकफ़ी बातें होती हैं पता नहीं रिक्वायरमेंट सारी मुसलमान वो पूरी करते हैं कि नहीं जिससे अल्लाह तला ने फ़ह लिखी हुई है तो ऐसी सूरतें पैदा होती हैं लेकिन एक डिप्रेशन ये होता है कि आइसोलेट हो जाता है इंसान फिर वो अल्लाह को ही भूल जाता है वो सिर्फ सारा दिन उसका रोना रोना ही होता है उसको यही है कि बस अल्लाह भी कोई नहीं नमाज़मों कोई फ़ायदा नहीं खाने पीने का कोई फ़ायदा नहीं अल्लाह बैठे रहो कमरे में बंद रहो बस यूँ गुमसुम रहो वो है असल डिप्रेशन है ठीक है वो नेक लोगों में इस तरह पैदा नहीं होता और अगर होता है तो इसका मतलब उनकी बातें सही नहीं उनका तल्लुक अल्लाह ताला से सही नहीं है